भारतीय हॉकी टीम ने इतिहास रचते हुए चीन को उसके घर में एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में 1-0 से हरा दिया। खिताबी मुकाबले में टीम इंडिया ने चीन को 1-0 से हराकर रिकॉर्ड 5वीं बार ये खिताब अपने नाम किया। भारत के लिए विनिंग गोल 51वें मिनट में जुगराज सिंह ने किया। इसके बाद चीनी टीम जवाबी गोल दागने की भरपूर कोशिश करती रही, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिल पाई। बता दें कि टूर्नामेंट के लीग मैच में भी भारत ने चीन को 3-0 से हराया था। इससे पहले दिन में पाकिस्तान ने कोरिया को 5-2 से हराकर 6 टीमों की इस प्रतियोगिता में तीसरा स्थान हासिल किया। चीन के खिलाफ इस फाइनल मुकाबले में भारतीय खिलाड़ी पहले क्वार्टर से ही हमलावर थे। शुरुआत ऐसे ही आक्रामक अंदाज में किया जिससे कि टीम जल्द से जल्द बढ़त हासिल कर ले, लेकिन चीनी गोलकीपर ने अपनी चपलता दिखाते हुए भारतीय खिलाड़ियों के आक्रमण को रोक दिया। पहले क्वार्टर की बात करें तो भारतीय टीम ने 3 मौके बनाए, लेकिन विपक्षी गोलकी ने तीनों को विफल कर दिया। इसके बाद टीम इंडिया के पास कई मौके थे, लेकिन उसके खिलाड़ी इकलौते मौके को छोड़कर चीन के डिफेंस को नहीं भेद पाए। बता दें कि फाइनल में चीन के खिलाफ भारतीय टीम के लिए मुकाबला बिल्कुल भी आसान नहीं था। पहले 3 क्वार्टर में चीनी डिफेंडरों ने भारत को गोल करने का कोई मौका नहीं दिया। पेरिस ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता भारतीय टीम के लिए 51वें मिनट में जुगराज ने जरूर गोल दागा। चीन दूसरी बार ही किसी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट का फाइनल खेल रहा था। इससे पहले उसने एशियाई खेल 2006 का फाइनल खेला था, जिसमें उसे कोरिया ने 3-1 से हराया था। खिताब की प्रबल दावेदार के रूप में उतरी भारतीय टीम ने पहले लीग मैच में भी दमदार शुरुआत करते हुए मेजबान को पटकनी दी थी, लेकिन फाइनल मुकाबला काफी कठिन रहा। पहले 2 क्वार्टर में भारत ने गोल करने के कई मौके बनाए, लेकिन चीन भी जवाबी हमले से पीछा नहीं रहा था। राजकुमार पाल ने पहला हमला बोला, जिसे चीन के गोलकीपर वांग वेहाओ ने बचा लिया। राजकुमार ने 10वें मिनट में भारत को पहला पेनल्टी कॉर्नर भी दिलाया, लेकिन हरमनप्रीत गोल नहीं कर सके। 2 मिनट बाद नीलकांता शर्मा का शॉट वांग ने फिर से बचाया और अगले मिनट सुखजीत सिंह का गोल नहीं करने दिया। इस तरह पहले क्वार्टर के कुछ सेकंड पहले भारत ने पेनल्टी कॉर्नर गवाया, लेकिन कृष्ण बहादुर पाठक गोल के सामने मुस्तैद थे। दूसरे क्वार्टर में भी कहानी यही रही, जब गेंद पर नियंत्रण में भारत ने बाजी मारी, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। भारत को 27वें मिनट में सुखजीत ने पेनल्टी कॉर्नर दिलाया, लेकिन हरमनप्रीत का शॉट गोल पोस्ट से टकरा गया। दूसरे हाफ में चीनी फॉरवर्ड पंक्ति के लगातार हमले बोले और 38वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर बनाया, लेकिन भारतीय डिफेंस ने चौकसी के साथ उस आक्रमण को रोक लिया। वहीं चीन को 40वें मिनट में लगातार 2 पेनल्टी कॉर्नर मिले, जिन पर भारतीय गोलकीपर पाठक ने गोल नहीं होने दिया। भारत के गोल सूत्रधार हरमनप्रीत रहे, जब जबरदस्त स्टिक वर्क दिखाते हुए चीनी सर्कल में घुसे और गेंद जुगराज सिंह को सौंप दी, जिसने गोल करने में कोई चूक नहीं की। हुटर से 4 मिनट पहले चीन ने अपने गोलकीपर को हटाकर अतिरिक्त खिलाड़ी को भी मैदान पर उतारा, लेकिन वह बराबरी का गोल नहीं कर सका। इस तरह भारतीय टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में मेजबान चीन को 1-0 से हराकर रिकॉर्ड 5वीं बार खिताब को अपने नाम किया। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। खेल से जुड़ी अन्य खबरों के लिए बने रहें हमारे यानी NBT स्पोर्ट्स के साथ।